कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देती है, जबकि भाजपा में दलित व आम गरीब आदमी का ख्याल रखते हुए उसे आगे बढ़ने का हर मौका प्रदान करती है। ये बात भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जतिन कुमार ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग में हित में आज तक कोई भी काम नहीं किया है। जिस तरह से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आनी के विधायक के खिलाफ टिप्पणी की है, उससे साफ झलकता है कि वे इस समाज के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं। उन्होंने बताया कि इन उपचुनावों में वोट के चोट में से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आनी के विधायक पर जिस तरह से लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है वो अशोभनीय है और राजनीतिक मंच से ये अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि भाजपा दलित पिछड़े व शोषित समाज के हित में काम करती रही है। भाजपा की सोच है कि पिछले पायदान पर बैठा हर व्यक्ति आगे आए और हर क्षेत्र में बराबरी की भूमिका निभाए। यही कारण है कि आज मोदी सरकार ने दलितों को हर क्षेत्र में सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा है कि भाजपा ने 12 दलितों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया है। पहली बार चार चार राज्यपाल दलित हुए हैं और राष्ट्रपति भी दलित है। यहां तक कि संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी गैर कांग्रेसी सरकार आने पर 34 साल बाद भारत रत्न दिया गया है, जबकि कांग्रेस में परिवार के समय प्रधानमंत्री बनने और उन्हें भारत रत्न मिल सकता था। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर ऐसे समाज के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। और अनुसूचित जाति समाज इस चीज को भलीभांति जानता है और इस बार वो वोट की चोट से इस रजवाड़ा शाही को खत्म करेगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी करेगा, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता, एक पूर्व सैनिक यहाँ से खड़ा हुआ है और लोग जो है वो प्रजातंत्र की जीत करवाएंगे और राजशाही का जरूर इस बार अंत करेंगे।